हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस के मामले में चीन को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। हम दुनिया भर में वायरस के बारे में झूठ बोलने और इसे फैलाने के लिए चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने का कोई मतलब नहीं है और उनकी लंबे समय से जिनपिंग से कोई चर्चा नहीं हुई। अमेरिका में टेस्ट की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन से लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसी उम्मीद वैज्ञानिकों ने की थी। अब इस वैक्सीन का अहम ट्रायल किया जाना बाकी है। अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि आप इसे कितना भी काट छांट कर देखो तब भी ये एक अच्छी खबर है। भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 29,429 नए केस सामने आए, साथ ही 582 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ देश में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,36,181 पहुंच गया, जबकि कुल मृतकों की संख्या 24,309 हो गई। भारत में एक दिन में 3,20,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल अब तक हुई टेस्टिंग का आंकड़ा 1,24,00,000 से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा व्यापक जांच करने के लिए किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप 22 राज्य रोजाना प्रति 10,00,000 आबादी पर कोविड-19 की 140 से ज्यादा जांच कर रहे हैं। उन्होंने बाकी राज्यों को भी इसी तर्ज पर जांच बढ़ाने की सलाह दी। महाराष्ट्र में 2,67,000 से अधिक केस हो चुके हैं और 10,695 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में 1,47,000 संक्रमण के मामले हैं और 2,099 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में हालात बेहतर होते जा रहे हैं। एक महीने में दिल्ली में ठीक होने वाले मरीज 44% बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि 14 जुलाई को दिल्ली में कोरोना के 16 से 6 नए केस आए, हालांकि करीब 2,000 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। फिलहाल राजधानी में कुल 18,000 से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि 93,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, यानी रिकवरी रेट 75% के करीब पहुंच चुका है। गुजरात में 43,637 संक्रमण के मामले हो गए हैं और 2,069 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 39,724 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और 983 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 3 दिनों में 4,000 के करीब कोरोना मरीज मिले हैं। मंगलवार को कुल 1,432 नए मरीज मिले थे। इससे पहले सोमवार को 1,116 और रविवार को 1,266 मरीज मिले थे। तीनों दिन मिलकर ये संख्या 3,814 हो जाती है। पटना हाई कोर्ट में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को 121 अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी ये टेस्टिंग प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी। पॉजिटिव पाए जाने की खबर से पूरे हाई कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,32,90,000 से ज्यादा हो गई है और इस वायरस के कारण अभी तक 5,77,980 मौतें भी हुई हैं। वहीं फिलहाल करीब 78,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34,31,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,36,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में 19,26,000 पॉजिटिव केस हैं और 74,133 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 नए मामले सामने आए हैं। हाल के हफ्तों में रूस में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले नए मामलों की संख्या घटी है। इसके बाद बीते मंगलवार से खुली जगहों पर मास्क पहनने के नियमों में ढील दी गई है। रूस में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7,39,000 हो चुकी। वेनेजुएला की सरकार राजधानी कराकास में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार से सख्त नियमों के साथ लॉकडाउन शुरू करने जा रही है। वेनेजुएला में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला मार्च महीने की शुरुआत में सामने आया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।